नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप सीएसके के और धोनी के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर धोनी के साथ तस्वीर क्या शेयर की। फैंस ने उसे माही के संन्यास की खबरों से जोड़ दिया। खुद सामने आकर विराट को फोटो और उसे शेयर करने के पीछे अपनी सोच का खुलासा करना पड़ा। अब धोनी के बेहद करीबी माने जाने वाले चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन ने धोनी के आईपीएल में चेन्नई के साथ खेलने पर बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके श्रीनिवासन ने धोनी के आईपीएल और भारतीय क्रिकेट टीम में उनके भविष्य को लेकर बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि आईपीएल के अगले सीजन में महेंद्र सिंह धोनी ही चेन्नई के कप्तान होंगे, साथ ही वे भारतीय टीम के लिए भी खेलते रहेंगे। दोस्तों, धोनी के संन्यास को लेकर लगातार कयास लग रहे हैं, लेकिन इस बीच ऐसी भी खबर आ रही थी कि हो सकता है कि धोनी अगला आईपीएल ना खेलें। लेकिन दोस्तों, इन सारे कयासों के बीच चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी के मालिक एन श्रीनिवासन का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी ना सिर्फ अगला आईपीएल खेलेंगे बल्कि टीम की कप्तानी भी वही करेंगे। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के पहले सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है। वह 3 बार सीएसके को विजेता बना चुके हैं। इसके अलावा सीएसके की टीम आईपीएल में 8 बार फाइनल तक का सफर तय कर चुकी है। आईपीएल 2019 में भी इस टीम ने धोनी की कप्तान में शानदार प्रदर्शन किया था और वह उप विजेता रही थी। लेकिन दोस्तों, आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी के कयासों के बीच जब श्रीनिवासन से यह पूछा गया कि अगले सीजन में चेन्नई की कप्तानी कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि वह फिलहाल इतना ही कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ अगले सीजन में कप्तानी करेंगे। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि महेंद्र सिंह धोनी अगले सीजन में भी आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे, और उम्मीद तो यह भी है कि वह अगले साल T20 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के साथ बने रहेंगे, यानी वर्ल्ड कप भी खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद से ही धोनी के संन्यास को लेकर अटकलें जारी हैं। धोनी ने वेस्टइंडीज से खुद हटते हुए बोर्ड से 2 महीने का ब्रेक लिया है। बोर्ड ने इसे मंजूर करते हुए उन्हें हाल ही में अफ्रीका के खिलाफ चल रही सीरीज के लिए भी आराम दिया है। दोस्तों, इस बीच विराट ने भी साफ कर दिया है कि संन्यास का फैसला धोनी का व्यक्तिगत फैसला होगा, क्योंकि ऐसा हर खिलाड़ी के साथ होता है। मैं उनके संन्यास को लेकर कैसे टिप्पणी या फिर फैसला कर सकता हूँ, वे खुद इसका फैसला करेंगे। जब तक वो उपलब्ध हैं, क्रिकेट खेलते रहेंगे, तब तक हमारी टीम के बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी खबर चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी हुई, जहाँ पर दोस्तों इनके मालिक श्रीनिवासन ने यह साफ कर दिया है कि धोनी ना सिर्फ आईपीएल 2020 में खेलेंगे बल्कि टीम की कप्तानी भी करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।